गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कोर्स अकाउंटिंग की हम जुलाई से अभी तक लगातार बात करते चले जा रहे हैं। तो जब कोर्स की बात करते हैं, जो फर्स्ट फेज हमारा था जिसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज कोस्ट, व्हाट इज कोस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कोस्ट अकाउंटेंसी, राइट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जब कोस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो उसका एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट है मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो जो नेक्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा कि मटेरियल की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, लेबर की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, और अल्टीमेटली थर्ड पार्ट जो है वो ओवरहेड्स है, उसकी कॉस्ट को हम कैसे कंट्रोल करें, राइट। उसके बाद जो थर्ड फेज हमारा शुरू होता है वो होता है मेथड्स ऑफ कॉस्ट असर्टेनमेंट। मतलब हम लागत को ज्ञात कैसे करेंगे। हमने कॉस्ट कंट्रोल के बारे में तो बात कर लिया कि हम मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, लेबर को करेंगे, ओवरहेड्स को करेंगे, लेकिन जो मेन चीज आती है कि लागत कैसे ज्ञात करें। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए हम शुरुआत कर चुके थे बहुत सारी चीजें कि हर एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करने का मेथड यूज करना पड़ेगा। तो अभी जो हम बात करेंगे वो जब मेथड्स ऑफ कॉस्ट असेसमेंट की बात करेंगे तो मेथड्स में आप किसी को याद आएगा कि सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी, हमने करा था जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, ठीक है। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग में हमने देखा कि सपोज कीजिए शादी है, आपको प्रिंटिंग का, आपको अपने शादी का कार्ड छपवाना है तो आप प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाएंगे। तो वहां पे वो जो प्रिंटिंग प्रेस वाला होगा वो जो मेथड यूज करता है वो आपका जॉब कॉस्टिंग है। अगर बैच कॉस्टिंग की बात करते हैं तो जहां लॉट्स में प्रोडक्शन होता है, जहां एक पर्टिकुलर लॉट बना लिया, जैसे आपकी मेडिसिन का प्रोडक्शन है, खिलौनों का प्रोडक्शन है, दवाइयां हम बात कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर लॉट में बनती है। तो जहां पे लॉट में प्रोडक्शन होता है वहां पे कॉस्टिंग का जो मेथड होगा वो हमारा बैच कॉस्टिंग हो जाता है। ग्राहक के आदेश के अनुसार जब नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जहां पर हम क्या करते हैं, ग्राहक के आदेश के अनुसार तो उत्पादन करते हैं लेकिन नॉर्मली वो माल का उत्पादन नहीं होकर ग्राहक के बताए गए स्थान पर हम जाकर कुछ निर्माण से संबंधित काम करते हैं। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, बांध बनाते हैं, पुल बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, तो ये सारा काम बहुत लंबे समय तक भी चल सकता है, एक साल में पूरा हो सकता है, एक से ज्यादा साल में पूरा हो सकता है। तो उसके लिए हमने जो मेथड पढ़ा था वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग था। फिर यूनिट्स के प्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो हमने कहा कि हम एक टेक्निक कौन सी यूज करते हैं, यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग हम यूज करते हैं, जहां पर एक जैसी इकाइयों का लगातार उत्पादन होता रहता है। आप बनाते चले जा रहे हैं तो जहां पे लगातार उत्पादन चलता है और इकाइयां नॉर्मली क्या होती है, एक ग्रुप होती है, एक जैसी होती है, वहां पर हम यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड को यूज करते हैं। एक मेथड का नाम हमने पढ़ा प्रोसेस कॉस्टिंग, जहां पर एक जैसी इकाइयां तो बनती है लेकिन नॉर्मली कुछ फेजेस में काम होता है, एक का जो आउटपुट होता है वो दूसरे के लिए इनपुट हो जाता है, दूसरे का जो आउटपुट होता है वो तीसरे के लिए इनपुट हो जाता है। तो एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ, एक काम खत्म हुआ, हम चाहे तो वही मार्केट में सेल कर दें, हम चाहे तो वो जो बन के आया है उसको हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए यूज कर ले तो वो उसके लिए इनपुट हो जाएगा। तो जहां टुकड़ों टुकड़ों में हम एक लेवल तक का काम करते चले जाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि हम सपोज कीजिए कपड़ा बनाते हैं, तो हम कपड़ा बनाने के लिए कपास लाने से काम शुरुआत कर सकते हैं और हम चाहें तो कपड़ा लाएं, बस एक ही प्रोसेस करें कि उसका मेंस वेयर, किड्स वेयर, वुमेन्स वेयर इस तरह से बना दे, राइट। तो ये जो सारे हैं ये मेथड्स अभी तक के हमारे हो जाते हैं कि कॉस्ट को इंडस्ट्री स्पेसिफिक हमें ज्ञात करना होता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, यूनिट कॉस्टिंग के मेथड्स हम यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं उसमें हमारे पास अभी तक ये जितने भी मैंने नाम लिखे वहां था प्रोडक्शन, 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 चाहे ग्राहक की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करें, चाहे हम लॉट्स में प्रोडक्शन करें। अभी तक हम उत्पाद की बात कर रहे थे, अब जब कोस्ट निकालते हैं तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी जरूरत पड़ेगी कि आप सर्विस की कोस्ट को कैसे निकालेंगे, प्रदान की गई सेवा की लागत हम कैसे निकालेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम लेने जा रहे हैं वो है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। टॉपिक है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यानी परिचालन लागत। और परिचालन, परिचालन का मतलब होता है सेवा प्रदान करने की लागत। परिचालन लागत का मतलब क्या हो गया, जो आपने सर्विस प्रोवाइड करी है। देखिए दो तरह की चीज होती है, एक उत्पाद बनता है कोई भी चीज, एक होता है
प्रोडक्शन की बात होती है और दूसरा क्या होता है, दो चीजें हो गई अभी तक की जो डिस्कशन हुआ उसमें, कि हम चीज बनाए तो वो प्रोडक्शन हो गया। इसके लिए कोस्टिंग के बहुत सारे मेथड हमने पढ़ लिए। अब दूसरी बात है कि हमने क्या करा है, सेवा प्रदान करी है, तो जो सेवा हमने प्रदान करी है उसकी लागत हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। तो सेवा प्रदान करने के लिए जो लागत प्रदान आपने, जो लागत को पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में हम अरेंज करेंगे, जैसे कोस्टिंग में हमने हर जगह कोस्ट शीट बनाई है, अकाउंट बनाया है, वैसे ही यहाँ पर हम जो टेक्निक यूज करेंगे वो हमारा ऑपरेटिंग कोस्टिंग मेथड होगा। तो पहली बात तो ये हुई कि जो सेवा प्रदान करते हैं उसकी लागत परिचालन लागत होती है, और वो जो परिचालन लागत है उसको प्रॉपरली अरेंज करने के लिए जिस मेथड को हम यूज करते हैं वो ऑपरेटिंग कोस्टिंग मेथड हो जाता है। क्लियर है ये चीज? जब ऑपरेटिंग कोस्टिंग की बात करते हैं तो कोई भी टेक्निक होगी उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स चाहे कोई भी मेथड ले लीजिए, बेसिक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मेथड्स है ये, तो कोई भी मेथड यूज करेंगे। बेसिकली मेथड का हमारा यूज क्या है, हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमने जो भी चीज बनाई है, यहां हम सेवा की बात कर रहे हैं, तो जो सेवा हम प्रदान कर रहे हैं उस सेवा की टोटल लागत कितनी निकली। सपोज कीजिए आप फैसागर रोड से जीसीए तक एक सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि मैंने ये जो गाड़ी चलाई है इसमें मेरी कुल मिलाकर लागत क्या आ रही है, राइट? तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना। दूसरी बात निकल के आती है, जब टोटल निकाल ली तो गाड़ी खाली तो नहीं चला के आएंगे, पैसेंजर्स लेके आएंगे या माल लेके आएंगे, तो प्रति इकाई लागत ज्ञात करना, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना, पर यूनिट टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना। फिर हमारे लाभ का जो हम डिसाइड करते हैं मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट प्राइस अपने इस लेवल पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, मार्केट प्राइस के फैक्टर्स बहुत सारे हैं, आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा रेट नहीं लगा सकते हैं, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है वो पता करना, ताकि आप ये डिसीजन ले सके कि मैं जो इस रूट पे गाड़ी चला रहा हूँ मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ क्या छोटी गाड़ी से काम चल जाएगा, ए रूट को छोड़ कर क्या बी रूट पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के हम लाभ की हमारी पॉसिबिलिटी कितनी है, ताकि हम आगे की डिसीजन मेकिंग कर सकें कि हमें वो काम करना है या नहीं करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो कैसे करें, और कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो कैसे करें। तो जितने भी सारे मेथड्स पहले हमने पढ़े हैं उनमें बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना, पर यूनिट टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना, प्रॉफिट मार्जिन का पता करना, एक अवधि से दूसरी अवधि की लागत का कंपैरिजन करना, एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री की कॉस्ट का कंपैरिजन करना। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आप कोस्टिंग के अंदर, तो मेथड्स वाले पार्ट में तो करीब करीब हम सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स ही यूज कर सकते हैं, राइट? अब जब यहाँ प्रैक्टिकली ऑपरेटिंग कोस्टिंग की बात करेंगे, तो ऑपरेटिंग कोस्टिंग को कैलकुलेट करने का हमारा एक प्रोसेस होगा, क्यों जो फेजेस हैं, किस तरह से हमारी अल्टीमेटली कोस्ट निकल के आएगी, वो हमारे लिए वो फेजेस क्या है, वो प्रक्रिया क्या है, हमारा प्रोसेस क्या है इसका कैलकुलेट करने का। तो जब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे तो पहली चीज हो जाती है हमारी जो एक्सपेंसेस हैं उनका असेटेनमेंट करेंगे, भाई कौन कौन से खर्चे हुए हैं, खर्चे अक्यूमुलेशन करना, खर्चों को क्या करना, आपने पढ़ा होगा कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स, जब हमने ओवरहेड कॉस्टिंग पढ़ा था तो क्लासिफिकेशन के बाद कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स किया, तो इसी तरह से यहाँ पे हम कलेक्शन बोल दीजिए चाहे अक्यूमुलेशन वर्ड बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है? आप अक्यूमुलेट करेंगे कि मैंने ये जो कुछ भी काम किया है जिसके लिए मैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैलकुलेट करने जा रही हूँ, वहां पे मेरे खर्चे क्या क्या हुए हैं, तो अक्यूमुलेशन ऑफ ओवरहेड्स करेंगे, अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस करेंगे, चार्जेस वर्ड भी यहाँ यूज होता है। अक्यूमुलेशन करने के बाद बी पॉइंट हमारा निकल के आएगा कि इनको हम क्लासीफाई करेंगे, पर्टिकुलर फॉर्मेट में जमाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इनका हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। आप क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ के आए थे, दो तरह से क्लासिफिकेशन, बेसिकली फिक्स्ड एंड वेरिएबल, यहाँ थोड़ा सा और भी चेंज करेंगे बाद में, पर बेसिकली हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तीसरा होगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम, जो आज तक आपने अभी तक के मेथड्स में हमने नहीं किया था, कॉस्ट यूनिट आइडेंटिफाई करना, ये नया काम होगा, बाकी ये सारा तो आप करीब करीब सारे ही चैप्टर्स में करके आए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट यूनिट, क्या हमारी लागत की इकाई क्या है, बस इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, बाकी तो अगर आपने मशीन आर रेट निकालना सीख लिया है और ओवरहेड वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया है तो काफी कुछ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का बेसिक चीज आपको फटाफट से समझ में आ जाएगी, राइट?
तो कोस यूनिट को कैलकुलेट करना, और डी पार्ट में हम जब चलेंगे तो डी पार्ट में हमारा हो जाता है बस ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, राइट। तो चार टुकड़ों में हम यहाँ काम करेंगे। पहला काम हो गया हमारा कि हम क्या करेंगे, खर्चों को इकट्ठा करेंगे। जब खर्चों को इकट्ठा करने की बात करेंगे तो ये जो प्रोसेस को सॉरी जो सर्विस कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का दूसरा नाम सर्विस कॉस्टिंग भी है, टर्मिनल कॉस्टिंग भी है। ये जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड है, इसके अलग अलग तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। हम किसी भी एक का एग्जांपल यहाँ सेट करेंगे और वो का वही मेथड अलग अलग तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स को हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स है जो ऑपरेटिंग कॉस्ट, भाई जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा वो यूज करेगा, तो सर्विस प्रोवाइडर्स में मेजर कौन आते हैं? जैसे सबसे पहले हमने नाम लिया कि ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है, कौन कौन सी सर्विस हो जाएगी? जैसे यहाँ पे हमने कर दिया कि जो यातायात सेवाओं से संबंधित काम करते हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, चाहे वो माल को लेके जाए चाहे वो पैसेंजर्स को लेके जाए, तो जो हमारे ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो आपके सप्लाई सर्विसेज हैं, जब हम चीज को सप्लाई करते हैं, जैसे सप्लाई सर्विसेज की जब हम बात करेंगे तो सप्लाई सर्विसेज में गैस सप्लाई कंपनी, वाटर सप्लाई कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी, राइट, आपने बोला बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, जहां हम ग्राहक के घर तक जाकर या उसकी जो भी एक फॉर्मेट हमारा जो तरीका है उससे हम सेवा प्रदान करते हैं, सप्लाई करते हैं, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी हो सकती है। इसी तरह से नेक्स्ट जो कंपनीज आती है वो वेलफेयर कंपनीज आती है या वेलफेयर अंडरटेकिंग आते हैं, जिसमें हमने जैसे कैंटीन की फैसिलिटी दी, होटल की फैसिलिटी दी, हॉस्पिटल की फैसिलिटी दी, या फिर आपके सबकी मजे की चीज कि हमने क्या बनाया है, सिनेमा हॉल, जहां मूवी देखने जाते हैं। तो अगर सिनेमा हॉल में आप पिक्चर देखने जाते हैं तो पर मैन पर शो कितना वो चार्ज करे आपसे, राइट। तो इस तरह से वेलफेयर सर्विसेज या पब्लिक यूटिलिटी, मेंटेनेंस से रिलेटेड या रनिंग से रिलेटेड कोई चीज, गवर्नमेंट की कोई अंडरटेकिंग है जो पब्लिक यूटिलिटी की चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो कुल मिला के ये यूजर्स हैं जो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का यूज करेंगे, राइट। चाहे वो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो पैसेंजर्स को लेके जाते हैं, चाहे वो माल को लेके जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस सप्लाई कंपनी है, पावर, अगर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो बॉयलर हाउस है या पावर जनरेशन कंपनी है, हॉस्पिटल है, कैंटीन है, और क्या लिखा मैंने, सिनेमा हॉल, तो याद है बिल्कुल हमको, तो सिनेमा हॉल है, राइट। तो ये सारी सर्विसेज हैं जिनके लिए अल्टीमेटली जो ऑपरेट मेथड ऑफ असेटलमेंट कॉस्ट है वो हम यूज करेंगे हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग, ये वाला हमारा मेथड, राइट। तो ये यूजर्स हैं। अब इनके लिए जब हम काम करने जाएंगे तो हमें बेस किसी एक को बना लेना है। बैंकिंग सर्विसेज के लिए एक्चुअली वहां पर जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे ना तो नॉर्मली ये वाला सेगमेंट हम यूज कर सकते हैं, बट प्योरली इसको यूज नहीं कर सकते, राइट। अभी फिलहाल जो फर्स्ट ईयर के लेवल की बात करिए, क्योंकि बैंकिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट उनके सेगमेंट्स होंगे, तो वो है सर्विस प्रोवाइडर्स, बेसिकली कोच शीट ही यूज करेंगे वो, यही वाला फॉर्मेट होगा, लेकिन उनका थोड़ा तरीका थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाता है। तो पहले फेज में हम यहाँ इस लेक्चर में जो लेंगे वो ये वाले सर्विसेज है, इनके लिए बस वो ऑपरेटिंग कोच शीट में हेड से चेंज हो जाते हैं, बाकी बेसिकली सारा चीज आपकी करीब करीब सेम ही रहेगा। जो ये चार पार्ट है, जो फेज है, ये चार फेज सभी के लिए इक्वली यूजफुल होंगे, इक्वली अप्लीकेबल होंगे, बस नाम चेंज हो जाएगा कि ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर्स होंगे तो दूसरे, जैसे सपोज करो होटल है तो वहां पे होटल में आपका कस्टमर आएगा, तो कस्टमर का पर क्लाइंट पर डे या पर पेशेंट पर डे, जैसे हॉस्पिटल की बात करेंगे तो, राइट, पर मैन पर शो, जैसे मैंने सिनेमा हॉल का आपको एग्जाम्पल दिया, तो थोड़े थोड़े वहां पे क्लाइंट चेंज हो जाते हैं, सर्विसेज की हेड हमारी जो चार्जेस की हेड है वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो पहले हम एक बार शुरुआत करते हैं कि अगर हम क्या है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर है, अगर हम कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं,
यातायात कंपनी चलाते हैं या यातायात की सुविधा हम प्रदान करते हैं, कंपनी हो सकती है या साझेदारी हो सकता है, एकाकी व्यापार वो बात नहीं है। हम क्या करते हैं, यातायात की सुविधा प्रदान करते हैं। तो इनके लिए हम कैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे इन चार टुकड़ों में? तो पहली बात होगी, पहला क्या लिखा आपका, पहला पहला काम क्या है, कलेक्शन या अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस। जब यातायात कंपनी की बात करते हैं तो यातायात कंपनी में जैसे मालवाहक कंपनी हो सकती है या पैसेंजर्स को ले जाने वाली कंपनी हो सकती है, जिसके लिए भी हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ये तो आप जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग छोटे मोटे लोगों के लिए तो नहीं है, क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा आएगी कि उसके प्रॉफिट उसके कंपैरिजन में इतने नहीं हो पाएंगे। तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए कॉस्टिंग के पहले चैप्टर में पढ़ के आते हैं कि नॉर्मली फिर तो वो फाइनेंशियल अकाउंट में ही अपना काम निकाल लेगा, राइट। तो ये यातायात अंडरटेकिंग्स है, ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग्स है, उनके लिए जब हम यहाँ कॉस्ट को कैलकुलेट करने जाएंगे तो हर एक गाड़ी, चाहे वो ट्रक है चाहे वो बस है, नॉर्मली जब एक पर्टिकुलर रूट पे गाड़ियां चलती है, चाहे वो माल को लेके जाती है यात्रियों को लेके जाती है, तो हर एक ड्राइवर, कभी बस में बैठे तो ध्यान रखना, कभी इस चीज को चेक कीजिएगा कि ड्राइवर या जो कंडक्टर होता है, उसका जो भी असिस्टेंट होता है, वो क्या करता है, एक अपने यहाँ से बैग में से एक, जैसे आप बैठते हो आपकी टिकट विकट काटता है, उसके बाद एक डायरी टाइप निकालता है, उसमें कुछ कुछ एंट्रीज करता है, हमने आज तक ध्यान नहीं दिया। वो जो होती है वो होती है डेली लॉग बुक। क्या मेंटेन करता है वो डेली, उसको क्या मेंटेन करना होता है, डेली लॉग बुक होती है, एलओजी लॉग, ये आपकी डेली लॉग बुक होती है जिसमें हर एक ट्रिप की सारी एंट्रीज की जाती है, और इस डेली लॉग बुक में वो फिल करता है डेली लॉग शीट। क्या कैलकुलेट करता है वो, एक लॉग शीट फिल करता है, जैसे ही एक जर्नी शुरू होती है तो लॉग शीट वहां पे वो प्रिपेयर करता है। ये जो लॉग शीट है इसका नॉर्मली फॉर्मेट क्या होता है, जैसे यहाँ पे डाल दिया आपने व्हीकल नंबर, ड्राइवर का नाम डाल दिया आपने, राइट, ड्राइवर का नेम डाल दिया, टाइम आपने डाल दिया कि आउट कितने बजे हुए हैं और लौट के कितने आए हैं, ओवरऑल जैसे एक पर्टिकुलर पीरियड का आपने लिया। उसके बाद ये जो आप फॉर्मेट बनाएंगे, इस फॉर्मेट में इधर डालते हैं आप ट्रिप, ये जो फॉर्मेट बनता है ट्रिप कहां से कहां तक, यानी कहां से, फ्रॉम एंड टू, जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल हाथों हाथ चलाते रहते हैं कि हमारा ट्रिप है ट्रिप नंबर वन, हम कहां से चले हैं, अजमेर से चले हैं, और हमारा कहां गया है गाड़ी, जयपुर गया, सपोज कीजिए अजमेर से चले और जयपुर गए, राइट। अगर मालवाहक है तो वो वेट लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, वेट लेके जाएगा, और अगर यात्रियों को लेके जा रहे हैं तो वेट की जगह क्या आ जाएगा, पैसेंजर्स आ जाएंगे। उसके बाद आएगा कि कितना किलोमीटर गए और उस पर्टिकुलर जर्नी में टाइम कितना लगा था और कितने आवर्स हमारा इन और आउट का, अल्टीमेटली आउट एंड कितने बजे गए थे और कितने बजे हम लौट के आए हैं, बेसिकली ये फॉर्मेट को हर एक ट्रिप की उसको उसके अंदर एंट्री करनी होगी। फर्स्ट ट्रिप हमारी अजमेर से जयपुर हुई, जयपुर से अजमेर हो सकता है, सेम डे लौट के आए तो जयपुर से अजमेर नीचे चलते चले जाएंगे। और इस लॉन्ग शीट में नीचे हमें लिखना होता है, इसके नीचे आप लिखेंगे, इधर की साइड में लिखेंगे कि आपकी सप्लाइज क्या क्या है। सप्लाइज का मतलब है कि आपके डीजल कितना लगा, अगर पेट्रोल लगा है तो पेट्रोल कितना लगा है, ऑयल कितना लगा है, और अदर एक्सपेंसेस लुब्रिकेंट एक्सेट्रा पे कितने खर्चे हुए हैं, राइट। फिर उसके बाद ये नीचे वाला फॉर्मेट है, इसी के नीचे हम नीचे लिखेंगे सेकेंड पार्ट में लिखेंगे कि वर्कर्स कौन कौन थे। तो वर्कर में कौन कौन होगा, ड्राइवर होगा, क्लीनर हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है, मैकेनिक भी हो सकता है, भाई तो मैकेनिक कौन कौन है उसकी डिटेल, ठीक है भाई। बेसिकली खर्चे यहाँ से निकल के आएंगे कि किस किसने काम किया, कितना पेट्रोल लगा, ये सारे इन्हीं से हम अक्यूमुलेशन का फिर क्लासिफिकेशन करेंगे। ये लॉग शीट हमारे लिए बेस होगा जहां से हमें खर्चों का पता लगेगा। और उसके बाद नेक्स्ट एक पार्ट हम बनाते हैं, वो होता है कि अगर डिले हुआ है तो डिले किस कारण से हुआ है, कि लोडिंग में डिले हुआ, जैसे मालवाहक कंपनी है तो माल की लोडिंग में ज्यादा देर लगी, या ट्रैफिक की वजह से डिले हुआ, या फिर एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से डिले हुआ, कोई भी कारण कि घंटे कितना, आपको 10 बजे जाना था 2 बजे पहुंच जाना था लेकिन आप पहुंचे हो वहां पे 4 बजे, तो आपको वहां पे उसका रीजन
आप कहोगे कि एक हफ्ते या 10 दिन बाद बता दूंगा तो नहीं याद रहेगा। तो इसीलिए ये डेली लॉग शीट हम प्रिपेयर करते हैं ताकि वो सारा का सारा उस दिन की सारी कहानी जो कोर्स से रिलेटेड है वो हमें एक साथ पता लग जाए। जब हम आइडल टाइम एबनॉर्मल आइडल टाइम का कैलकुलेशन करेंगे, जब ओवरहेड्स का कैलकुलेशन करने जाएंगे तो वो चीज यहाँ डिले की वजह से निकल के आएगी, राइट। तो ये हमारा अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उसमें जो भी ड्राइवर होता है या जो भी उसका कंडक्टर होता है उसको डेली एक लॉग शीट प्रिपेयर करनी होती है। वहां से शुरुआत होती है अक्यूमुलेशन ऑफ ओवरहेड्स की या एक्सपेंसेस की। जो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स है, अगर वो कैंटीन है या वो होटल है या हॉस्पिटल है, तो वहां पे बस ये लॉग शीट नहीं बनेगी, बट लॉग शीट नहीं होकर एक कॉस्ट शीट टाइप कोई ऐसा डेटा बन जाएगा जहां पे आपके खर्चे क्या क्या हो रहा है। जैसे अगर कैंटीन है तो प्रोविजन इतने का डेली ब्रेड खरीदा, इतना बटर खरीदा, इतना बिस्किट खरीदे, इतना क्रॉकरी पे खर्चा हुआ, वो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेंगे, राइट। तो जो रूटीन का खर्चा होता है उस रूटीन को किसी न किसी तरीके से आपको लिखना होगा, जिसे ट्रांसपोर्ट सर्विस में लॉग शीट में हमने प्रिपेयर कर लिया। पहला हाइड क्लियर, पहली बात क्लियर कि हमें जितना भी काम होगा वो सारा का सारा लॉग शीट में हम डाल देंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट होगा कि ये यहाँ पर जो खर्चे होंगे प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्शन पे खर्चा होता है, फैक्ट्री है, जब अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात करते हैं ना, तो क्लियर है आपको कि ऐसा थोड़ी होगा कि सिर्फ प्रोडक्शन पे खर्चा होगा। आपको डिसीजन मेकिंग भी करनी होगी तो ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी होंगे। सेलिंग नहीं होगा यहाँ पर, बट फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे सप्लाई कंपनी है तो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे होंगे, तो दूसरे सारे खर्चे भी होंगे। तो ये खर्चे बेस बनेंगे, इनके अलावा जितने भी दूसरे हमारे खर्चे रूटीन के एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको हम अब सेकेंड टॉपिक पर लेके आएंगे, और वो होगा हमारा, हम क्या करेंगे ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस करेंगे। जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो नॉर्मली फिक्स्ड चार्जेस एंड वेरिएबल चार्जेस में हम इनको बांट लेते हैं। जैसे अब हम ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स को ही लेते हैं बेस, तो जितने भी एक्सपेंसेज हमारे होंगे, जितने भी तरह के खर्चे जैसे यहाँ लिखे मैंने, प्लस मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऑफिस के भी खर्चे होंगे, दूसरे खर्चे भी होंगे, तो जितने भी तरह के खर्चे होंगे उसका हम दूसरा काम करने जा रहे हैं, इनका क्या कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और क्लासिफिकेशन में हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ ऑथर्स कहते हैं कि ये जो वेरिएबल है इनको और दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए ताकि कंट्रोल एस्पेक्ट हमारा और क्लियर हो सके, जिसे हम रनिंग चार्जेस, ठीक है, रनिंग चार्जेस एंड मेंटेनेंस के नाम से भी डाल सकते हैं। वेरिएबल के दो पार्ट कर सकते हैं, मेंटेनेंस जैसे आपका रिपेयर्स, मेंटेनेंस, टायर ट्यूब पे जो खर्चे हो जाते हैं वो खर्चे, ओवरहॉलिंग के खर्चे, या फिर ऐसे खर्चे जो आपके स्पेयर पार्ट्स पे हो जाते हैं उनको हम मेंटेनेंस। वेरिएबल का मीनिंग तो क्लियर है ना, कि गाड़ी चलेगी तो खर्चा होगा, गाड़ी नहीं चलेगी तो नहीं खर्चा होगा, वो वेरिएबल होता है। और फिक्स्ड चाहे वो गाड़ियां आप चलाएं नहीं चलाएं, चलाए एक बार आपने सेटअप कर दिया तो जो खर्चा होगा वो फिक्स्ड होता है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है पहले का, राइट। तो मेंटेनेंस में आ गए, रिपेयर्स का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, स्पेयर पार्ट्स का खर्चा, ओवरहॉलिंग का खर्चा, और रनिंग यानी रूटीन में चलाने का पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये खर्चे जो होंगे वो रनिंग में आ जाते हैं। नॉर्मली फर्स्ट ईयर के लेवल की जब बात करते हैं तो नॉर्मली हम इन खर्चों को दो ही पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक फिक्स्ड और दूसरे वेरिएबल। फिक्स्ड के एग्जांपल क्या बना सकते हैं, जैसे हम फिक्स्ड का अगर ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर को सैलरी अगर हम टाइम बेसिस पे देते हैं तो फिक्स्ड में डाल देंगे, गाड़ी चलाओगे तो सैलरी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी तो वेरिएबल में डालेगा। डेप्रिसिएशन अगर गाड़ी के रनिंग से रिलेटेड है कि 50,000 किलोमीटर चलेगी तो 5,000 की कॉस्ट आएगी तो वेरिएबल में आ जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं कि हर साल का हमें तो 5 लाख पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना ही है, वेदर गाड़ी रन करती है या नहीं करती है, तो वो हमारा फिक्स में हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन और ये जो सैलरी वगैरह है ये तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे कि वो फिक्स में आता है या वेरिएबल में आता है, राइट। लेकिन बाकी खर्चे जैसे गैरेज का रेंट है नॉर्मली फिक्स में आएगा, आएगा या गैरेज का किराया थोड़ी गाड़ी रखेंगे तेरे यहाँ आगे तो पैसा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। आपने अगर गैरेज किराए पे ले लिया तो आपको रेंट चुकाना ही पड़ेगा, राइट।
क्लियर है चीज। तो गैरेज रेंट हो गया, इसी तरह से आपको इंश्योरेंस, गाड़ियों का इंश्योरेंस कराना है तो गवर्नमेंट को या जो भी आपकी इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर है उसको आपको रोड टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और सर्विस प्रोवाइडर को इंश्योरेंस फी देनी पड़ेगी, ये आपका खर्चा हो जाएगा। तो ऐसे खर्चे जो टाइम से रिलेटेड डिपेंड करेगा हर एक क्वेश्चन पे कि कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन है। आप बहुत समय से यही चीज करते आ रहे हैं, जब क्लासिफिकेशन शुरुआत की चैप्टर पढ़ा तो हमें क्लियर ये चीज पता लग जाती है कि अगर टाइम से रिलेटेड एक्सपेंस है तो वो फिक्स्ड एक्सपेंस होगा, और अगर वो रनिंग से रिलेटेड है, काम होगा तो खर्चा होगा, काम नहीं होगा तो जीरो भी हो सकता है, तो वो हमारा वेरिएबल हो जाता है। रनिंग मेंटेनेंस में हम सेमी वेरिएबल और वेरिएबल दोनों को ही ले लेते हैं, राइट, वहां फिक्स जाएगा, और ये सेमी वेरिएबल और वेरिएबल दोनों का टोटल वेरिएबल में हम डाल देंगे रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो दूसरा काम हुआ हमारा, पहला हुआ हमारा एक्युमुलेशन ऑफ ओवरेज, दूसरा हुआ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरेज। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट की यूनिट क्या है? देखिए जब प्रोडक्शन करते हैं ना तब तो टेंशन ही नहीं होती है कि आपने 10 बैग बनाए, 1000 बैग बनाए, 10 जोड़ी जूते बनाए, 5000 लैपटॉप बनाए, सीधे दिख रही है कॉस्ट की यूनिट क्या है, बैग है या शू है या लैपटॉप, राइट। जब उत्पादन का काम करते हैं तो कॉस्ट यूनिट हमें निकालने के लिए दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चन कह देता है सीधा कि इस अवधि में इतनी इकाइयों का उत्पादन होगी, चाहे ईंट बनाइए, चाहे कोई कुछ भी चीज बनाइए, चाहे पेट्रोल बनाइए, डीजल बनाइए, कुछ भी बनाइए। बात आती है यहाँ पर जब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट या सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करते हैं, सर्विस कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो कॉस्ट की यूनिट क्या होगी? यहाँ पर जो कॉस्ट की यूनिट बात करते हैं वो यानी किस पे लागत लगाए, भाई लागत का एक्युमुलेशन तो कर लिया, क्लासिफिकेशन करके टोटल भी कर लेंगे, फिर वो चार्ज किस पर करें ताकि पर यूनिट निकल सके, तो यूनिट क्या होगी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में कॉस्ट की जो यूनिट होती है वो हमारी सिंपल यूनिट भी हो सकती है और कंपोजिट यूनिट भी हो सकती है। अगर लागत के सिर्फ एक ही फैक्टर को ध्यान में देते हुए अगर यूनिट को माने तो सिंपल यूनिट होगी, सरल लागत इकाई होगी, और दूसरा यानी जिसपे कॉस्ट का असेसमेंट करना वो लागत की इकाई है। अब लागत की इकाई दो तरह की है, एक सिंपल और दूसरा कंपोजिट मीन्स मिश्रित। जब लागत के दो तत्वों को मिलाकर, अभी एग्जाम्पल देती हूँ आपको फटाफट से आ जाएगा फिर, तो जिससे पूछ लीजिए, हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स को, तो हम याद कर सकते हैं कि पर किलोमीटर कितनी कॉस्ट आएगी, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो सिर्फ एलिमेंट क्या लिया हमने, जर्नी को ही लिया है, सिर्फ डिस्टेंस को ही लिया है, तो हमारा वो हो जाएगा सिंपल कॉस्ट यूनिट। लेकिन अगर हम दोनों ही फैक्टर ले लें, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जर्नी में, या तो पैसेंजर या माल, एक चीज तो ये होती है अगर गुड्स प्रोवाइडर है तो, गुड सर्विस प्रोवाइडर है तो माल वेट जैसे टन्स या जितना भी वेट लेके जा रहे हैं, और दूसरा फैक्टर हो गया आपका कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो जो आपकी डिस्टेंस है वो तो आ गई किलोमीटर में, और जो सेकंड फैक्टर है कि सर्विस किसको प्रोवाइड करी है, या तो माल को ले जाने में सर्विस प्रोवाइड करी है या पैसेंजर को ले जाने में हमने सर्विस प्रोवाइड करी है, तो दोनों फैक्टर्स को एक साथ ले लीजिए तो फैक्टर क्या बन गया, मिला के क्या बन गया, पैसेंजर किलोमीटर्स बन गया या टन किलोमीटर बन गया। दोनों जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि हमने एक आदमी को एक किलोमीटर ले जाने की लागत निकालनी है सिर्फ, क्योंकि ऐसे तो बस में 40 जने बैठेंगे, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम क्या करेंगे, जैसे सपोज कीजिए मैंने टैक्सी हायर करी है, मैं अकेली जा रही हूँ या मैं अपनी फैमिली के लिए ले रही हूँ, मैं टैक्सी वाले से बात करती हूँ कि तुम तो मुझे जयपुर लेके चलो, कितने रुपए लोगे, इतना किलोमीटर डिस्टेंस जर्नी करना है, आप ओवरऑल बताइए, वो कहता है 2500 रुपए लेंगे, तो क्या हो गया, एक तरह से किलोमीटर पे बेस हो गया, कितने भी जने बैठो जी, हमें पैसेंजर से लेना देना नहीं है, मैं तो आपको 130 किलोमीटर लेके जाऊंगा और ओवरऑल 2500 रुपीज लूंगा, तो वहां पे तो कौन सी यूनिट हो गई, सिंपल ही हो गई ना। कितने जने बैठते हैं, वो अकेला बैठ के जाता है या पूरी फैमिली जाती है, इट डजंट मैटर कि ओवरऑल हमें तो इतना पैसा आपसे लेना है, तो वो हमारा सिंपल कॉस्ट यूनिट हो जाएगी। लेकिन जो ये सिटी बस है या जो टेम्पो आपके चलते हैं,
वहां पे तो एक बैठता है, दूसरा चढ़ता है, दूसरा बैठता है, तीसरा चढ़ता है, राइट? तो फिर वहां पर हम वो ओवरऑल हायर थोड़ी कर रहे हैं, वहां पे जितने हमारे पैसेंजर्स बैठ रहे हैं, या आप जब बस पे बैठ के यहाँ से जयपुर जाते हैं तो 40-50 जने होते हैं, तो आप एक साथ हायर नहीं करते हैं, वो यात्रा पे नहीं जा रहे कि एक साथ ही हायर कर लिया, हम अपने हिसाब से जाते हैं, दूसरे वाला अपने हिसाब से जाता है, तो हर एक बंदे से अलग अलग चार्ज करेगा, तो वहां पे जो कोस्ट की यूनिट यूज होगी वो होगी कंपोजिट, कि एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का, तुम 130 किलोमीटर चले हो तो 130 किलोमीटर का हम इतना चार्ज करेंगे, क्लियर ये चीज? तो सबसे पहले कोस की यूनिट डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप सिंपल कोस यूनिट यूज करते हैं या कंपोजिट कोस यूनिट यूज करते हैं, क्लियर है? जब कोस की यूनिट डिसाइड कर ली, अब हम बात पर्टिकुलरली किसकी कर रहे हैं, यहाँ जो हमने बेसिकली एग्जाम्पल ले रखा है वो हमने ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स का ले रखा है, और जो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए जो ये कंपोजिट कोस्ट यूनिट होती है बेसिकली, बाकी सबके लिए या तो सिंपल चलेगी, चाहे वो होटल है, कैंटीन है, हॉस्पिटल है, बाकी सबके लिए या तो आप सिंपल यूनिट यूज करेंगे या कंपोजिट यूनिट करेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो हमारी कंपोजिट यूनिट है, इस कंपोजिट यूनिट में भी हम क्या कर लेते हैं, हम इसके दो तरीके से कैलकुलेशन के तरीके यूज कर सकते हैं, दो तरीके हम कैलकुलेशन के यूज कर सकते हैं। एक होता है आप क्या करिए, एब्सोल्यूट निकालिए, और दूसरा निकालिए आप कमर्शियल। अगर माल लेके जा रहे हैं तो टन किलोमीटर, और अगर पैसेंजर्स लेके जा रहे हैं तो पैसेंजर किलोमीटर, क्या बन गया, एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर या एब्सोल्यूट पैसेंजर किलोमीटर, और दूसरा बन गया आपका कमर्शियल 10 किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर। जो भी आपने जर्नी करी है वहां पे उस जर्नी का ओवरऑल हम कैलकुलेशन जब करते हैं, कोस के यूनिट का कैलकुलेशन करते हैं, तो कोस के यूनिट को ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट टर्म्स में और दूसरा होता है वाणिज्यिक या कमर्शियल टर्म्स में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल 10 किलोमीटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड कमर्शियल 10 किलोमीटर। ये नॉर्मली 2 मार्क्स या 4 मार्क्स क्वेश्चन में आप पिछले 5 साल के पेपर देखेगा, हर एक आध साल में जरूर से रिपीटेशन होता ही। तो इसको लेने के लिए जैसे हम सपोज कीजिए एक जर्नी बनाते हैं, और ये जो जर्नी है सपोज कीजिए ये 3 स्टेशन है, आप ए स्टेशन से शुरू होते हैं, आप बी पे जाते हैं, और तीसरा स्टेशन आपका सी है। एग्जाम्पल लेते हैं मालवाहक कंपनी के लिए, वेट लेके जाते हैं तभी जरूरत पड़ेगी पैसेंजर्स में, तो क्या होगा, गया और दूसरा पैसेंजर चेंज हो जाएगा, रिटर्न जर्नी में वही थोड़ी लौट के आएगा। लेकिन जब रूटीन में हम माल लाने और ले जाने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो नॉर्मली पैसेंजर्स के लिए भी यूज हो सकता है, पर ज्यादा जो यूज है एब्सोल्यूट एंड कमर्शियल का यूज, वो जो हमारा वो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनके लिए होता है। तो जैसे सपोज कीजिए ए से बी की तरफ आप चले, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, बी से सी का जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लीजिए अपन 40 किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक है, और सी से सीधा ये आ सकते हैं 50 किलोमीटर। ये क्या हो गई आपकी डिस्टेंस हो गई कि आपकी 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है। क्वेश्चन ये कहते हैं कि हमने ए से जर्नी शुरू करी और ए से जब हम बी की तरफ गए तो हम 10 टन माल लेके गए। ए से बी की तरफ कितना टन माल लेके गए आप, 10 टन माल लेके गए, 10 टन माल आपके पास था, 10 टन जब बी पे पहुंचे तो आपने 4 टन वहां उतार दिया, आपने क्या किया वहां पे 4 टन उतार दिया, नया माल आपने चढ़ाया नहीं है, और बी से सी की तरफ गए और आप वहां पे 6 टन माल लेके गए, 4 टन उतार दिए तो कितना बचा, क्वेश्चन सीधा सीधा कहेगा नहीं पर अंडरस्टूड है कि 10 में से 4 उतारा तो 6 बचा है, तो बी से जो नेक्स्ट जर्नी थी वो सी की तरफ थी, 6 टन माल हमने पूरा का पूरा अनलोड कर दिया सी पर। अब सी से हम ये वाला रूट से नहीं आके सी से सीधा ए पर आ गए, जो थोड़ा हमारा शॉर्टेस्ट रूट था, 50 किलोमीटर की रूट था, और वहां से हम 8 टन माल लेके आए। ये बेसिक एग्जाम्पल सेट हुआ है कि हम ए से बी और बी से सी की जर्नी करते हैं, सी से सीधा ए की तरफ आ जाते हैं, उसका डिस्टेंस गिवन है आपको और कितना माल आप लेके चले हैं वो डिटेल्स आपको गिवन है। अब देखिए यहाँ क्योंकि कोस्ट यूनिट सही नहीं निकलेगी तो कोस्ट डेफिनेटली पर यूनिट भी सही नहीं निकलेगी ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कोस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स तो
गिवन ही नहीं होती ना इस चैप्टर में, बस एक ही चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन नहीं होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स खुद को निकालनी पड़ती है। बनाया थोड़ी माल जो हम सीधा सीधा दे देंगे कि इतना बनाया, इनसे निकलेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कोस की यूनिट को कैलकुलेट करना। तो ट्रांसफर सर्विसेज में एब्सोल्यूट और कमर्शियल कैसे अप्लाई होगा, अब इस एग्जाम्पल में दोनों ही कैलकुलेट करते हैं। जब हम एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर की बात करते हैं, एब्सोल्यूट में क्या होगा, वास्तविक, यानी जितना आप माल लेके गए और जितना आपने ट्रेवल किया है, बस उसको यूज कर लीजिए। दो ही फैक्टर होते हैं, मैंने लिखा टन इंटू किलोमीटर इज इक्वल टू टन किलोमीटर। तो कितना माल लेके गए एब्सोल्यूट में, टन कितना लेके गए और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, बस उसको टोटल कर लीजिए, ओवरऑल टोटल कर लीजिए। देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले हम क्या करें, हम ए से चले बी की तरफ चले, कितना माल लेके चले आप, 10 टन माल लेके चले हैं, 10 टन समझने की कोशिश कीजिए, ए से बी की तरफ चले 10 टन माल लेके चले और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने, 60 किलोमीटर का। इसका मतलब इसके तो टन इंटू किलोमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, कोस यूनिट निकाल लिए कॉम्पोजिट, राइट, टन इंटू किलोमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। बार बार करते चले जाइए जब तक आपकी वो जर्नी कंप्लीट नहीं होती। फिर नेक्स्ट हम चले 6 टन माल लेकर, बी से सी की तरफ हम चले, 6 4 तो उतार दिया था ना बेटा, तो बचा कितना 6 टन, तो 6 टन माल लेके चले और हम चले हैं 40 किलोमीटर, राइट, सी पहुंच गए। और सी के बाद नेक्स्ट हम सीधा ए आ गए हैं, और ए पर जब आए हैं तो आते समय हमारे पास 8 टन माल है और उसका जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर। बस आपका ये एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर दीजिए कितना हो गया, 600 प्लस 240 प्लस कितना हो जाएगा 1240, आगे लिखिएगा जरूर से 10 किलोमीटर। ये यहाँ पर ये जो निकाला ना, ये 1240, ये यहाँ यूज होगा जब आपको निकालना पड़ेगी ऑपरेटिंग कॉस्ट में कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। अगर ये 1240 गलत निकला तो नेचुरली कि कॉस्ट पर यूनिट भी गलत निकलेगी और फिर वो इतना बड़ा वाला जीरो आपको मिलना ही होता है। क्लियर? तो एब्सोल्यूट में मतलब क्या किया कि जो हमें माल जितना हम लेके गए, अगर पैसेंजर्स लेके गए तो पैसेंजर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, जितना फेजेस है उनका सबका अलग अलग मल्टीप्लाई करके दोनों फैक्टर्स को ओवरऑल टोटल कर दीजिए तो हमारा एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर आ जाता है। क्लियर? उसके बाद अब इसी क्वेश्चन में हम कहें कि नहीं, हमें तो कौन सा यूज करना है, कमर्शियल यूज करना है। तो कमर्शियल जो 10 किलोमीटर हम कैलकुलेट करते हैं उसका हम फॉर्मूला यहाँ आता है हमारा, कमर्शियल के अंदर टोटल डिस्टेंस हम एक पूरी ट्रिप को एक ही जर्नी मानते हैं इसके अंदर, कमर्शियल के अंदर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जितना भी आपने किया मल्टीप्लाई बाय एवरेज वेट या एवरेज पैसेंजर्स कैरिड। हम ये नहीं करते कि यहाँ गए इतना उतारा, यहाँ गए इतना उतारा, बार बार देखते रहिए। कमर्शियल में क्या होता है, क्या किया हमने, कुल मिलाकर कितनी जर्नी करी हमने, जैसे कुल मिला के कितनी जर्नी करी है आप, 60 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर, कितना हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस, हो गया 150 किलोमीटर। तो आपने ले लिया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 150 किलोमीटर। उसके बाद आ जाइए आपने वेट कितना लिया, तो देखिए जाते समय आपके पास 10 टन था, फिर अगली जर्नी पे 6 टन था और आगे हम कितना लेके गए 8 टन। तो जितना भी हमारा वेट है उसका एवरेज कर लीजिए। एवरेज का मतलब होता है यहां हम करेंगे डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हम 3 टुकड़ों में ओवरऑल वेट को कैरी कर रहे हैं। तो कितना हो गया 150 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो कमर्शियल जो 10 किलोमीटर निकलेंगे वो होंगे हमारा 1200 किलोमीटर। ये हमारे अगर हम एब्सोल्यूट से निकालते हैं तो 10 किलोमीटर कैलकुलेट होते हैं, और अगर हम कमर्शियल से निकालते हैं तो हमारे 10 किलोमीटर आते हैं 1200। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो एब्सोल्यूट टर्म्स में मांगता है या कमर्शियल टर्म्स में मांगता है, वो हमें यूज करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट में हम हर एक जर्नी को, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला था आपको कि पहला हुआ कि एब्सोल्यूट और कमर्शियल पे शॉर्ट नोट लिखिए या एक्सप्लेन कीजिए, दूसरी चीज होती है कि दोनों में अंतर क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड कमर्शियल, 3 4 पॉइंट आप यहाँ बना सकते हैं।
कि एब्सोल्यूट में हम क्या करते हैं, जितनी भी हमने जर्नी करी है उसको टुकड़ों टुकड़ों में कैलकुलेट करते हैं। पहला टुकड़ा बना कि संपूर्ण यात्रा को अलग अलग खंडों में बांटकर कैलकुलेशन किया जाता है, जबकि कमर्शियल में बात करते हैं तो पूरी की पूरी जर्नी को ओवरऑल एक ही ट्रिप मान लिया जाता है, एक ही जर्नी मान लिया जाता है। जब वेट की बात करते हैं तो वेट भी यहाँ पर अलग अलग तरह से हम यूज करते हैं, लेकिन जो ले जाया गया माल है यहाँ पे उसका औसत या उसका एवरेज यूज किया जाता है। अब बड़ी मजेदार बात होती है, जब हम कमर्शियल टन किलोमीटर को यूज करते हैं तब तो हमारा निकला 1200, राइट। इसमें थोड़ा सा चेंज ऐसे करती हूँ कि सपोज कीजिए सी से जब हम ए की तरफ रवाना हुए तो सी से ए की तरफ हमारे पास माल मिला ही नहीं हमें, और हमें क्या करना पड़ा, खाली लौटना पड़ा। हमें क्या करना पड़ा, खाली लौटना पड़ा। अब देखिए कितना मेजर डिफरेंस आता है, अभी तो 40 किलोमीटर का 40 टन किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, यहाँ 1240 आ रहे हैं और यहाँ 1200 आ रहा है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा है। लेकिन सपोज कीजिए अगर एक पर्टिकुलर जर्नी में आपको बिल्कुल ही खाली लौटना पड़ता है तो जब एब्सोल्यूट कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सही है लेकिन यहाँ जीरो हो जाएगा ना, जीरो टन का एक कैरेट मल्टीप्लाइड बाई 50, तो ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सीधा सिर्फ 840 बचेगा, 840 बच जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर जर्नी पर आपके पास माल या पैसेंजर्स नहीं है। तो एब्सोल्यूट में हम हर एक टुकड़े पे अलग कैलकुलेशन करते हैं, तो वहां पे माल या पैसेंजर्स नहीं है तो जीरो हो गया, जीरो को 50 से मल्टीप्लाई किया तो जीरो बन गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो यूनिट थी वो कहां 1240 थी और अभी कितने आ गई आपकी 840 आ गए। अब कमर्शियल पे कैलकुलेट करके देखें तो कमर्शियल पे 150 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ थोड़ा सा एवरेज होगा 10 + 6 / 3, तो 16 / 3 यानी 150 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए इसको थोड़ा सा, तो करिए इसको करेंगे करके देखिए बेटा, 150 मल्टीप्लाई बाय 5.33 करीब 800 के आप है ना, 800, वहां हमारा सिर्फ रह जाता है 640। और ये तो क्या हुआ जब हम सेम रूट से निकलोड़े, ये हमारे पास सिर्फ 50 किलोमीटर ही है, अगर सपोज कीजिए इसी रूट से लौटते तो 100 किलोमीटर होता, तो 100 किलोमीटर तक आप खाली आए हो तो आप कोई कोर्स के यूनिट को यूज ही नहीं करेंगे, तो ये प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो फिजिबल नहीं होता है कि आप कैसे कर रहे हैं कि अगर नहीं इनवाल लेके आए तो बिल्कुल ही खाली हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कि अगर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन जाएगा आपका कि अगर रिटर्न जर्नी में या पर्टिकुलर जर्नी में हमारे पास वेट या पैसेंजर्स नहीं होते हैं तो हम एब्सोल्यूट में उसको बिल्कुल ही जीरो करके ले आते हैं, क्योंकि किलोमीटर में उसका नल हो जाता है, लेकिन कमर्शियल में उसका एवरेज किया जाता है, बट प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट मेथड ही ज्यादा यूज होता है। सैद्धांतिक रूप से कमर्शियल ज्यादा बेटर है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो गाड़ियां चलती है उसमें, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि मैं ही वापस माल आपको दूं, तो जब मेरे लिए आपने पर्टिकुलर जर्नी करी नहीं है तो मैं उसका वेट ओवरऑल कोर्स की यूनिट को मैं क्यों उसको बेयर करूं, इसलिए नॉर्मली हम एब्सोल्यूट को ही ज्यादा यूज करते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा हुआ कि आपको क्या करना है, कोर्स की यूनिट को कैलकुलेट करना है। कोर्स की यूनिट सिंपल हो सकती है या कंपोजिट हो सकती है। सिंपल में एग्जांपल्स क्या क्या देंगे, जैसे पर किलोमीटर निकालना है, पर पैसेंजर निकालना है। अगर हम दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करें, पर यूनिट अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है पर यूनिट लगा दें, अगर किलोवाट आवर्स में निकालेंगे तो कंपोजिट होगा। एक आदमी को पूरा हॉल बुक कराए तो उसे कितना लेना है तो सिंपल हो गया, लेकिन पर मैन पर शो कंपोजिट होगा। पर पेशेंट पर डे कितना चार्ज करेंगे हॉस्पिटल में, कंपोजिट होगा। एक पेशेंट से कितना चार्ज करेंगे, सिंपल। एक दिन का ओवरऑल हॉस्पिटल में कितना चार्ज करेंगे वो भी सिंपल है, लेकिन पर पेशेंट पर डे कितना चार्ज करेंगे वो हमारा कंपोजिट हो जाता हो सकता है। तो इस तरह से जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सिंपल या कंपोजिट कोर्स यूनिट को यूज करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में इसमें थोड़ा सा और डिटेल आती है कि हम ये जो कोर्स की यूनिट है, जो कंपोजिट वाली यूनिट है, इसको हम एब्सोल्यूट टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या दूसरा कमर्शियल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा थर्ड स्टेप पहुंच गए हम, हमने क्या क्या काम कर लिया, सबसे पहले अक्यूमुलेशन किया,
फिर उसका क्लासिफिकेशन कर लिया कि एक जगह वेरिएबल है, और तीसरा पार्ट हो गया हमारा कि कोस की यूनिट आपने कैलकुलेट कर ली। जैसे ही कोस की यूनिट कैलकुलेट कर ली, अब तो अगर आपको मशीन आर रेट निकालना आता है तो बस एक वही फॉर्मेट आप यहाँ यूज कर लीजिए, यानी आप बनाएंगे ऑपरेटिंग कोस्ट शीट आप प्रिपेयर करेंगे फॉर द, अब मंथ दे दे तो मंथ के लिए, पर्टिकुलर ट्रिप के लिए कह दे तो ट्रिप के लिए, पूरे ईयर के लिए कह दे तो फॉर द ईयर, जो भी ईयर दे रखा है वो आप डिटेल डाल दीजिए, राइट। और ये जो ऑपरेटिंग कोस्ट शीट हम प्रिपेयर करेंगे, इस ऑपरेटिंग कोस्ट को बनाते समय हम यहाँ पर अगर हमारे पास पिछले साल का डेटा है तो पिछले साल का डेटा भी डाल दीजिए, आपकी बजटेड कितना था लास्ट ईयर का डेटा, ये हमारे बजटेड फिगर्स, और ये हमारे इधर एक्चुअल फिगर्स हम डाल देंगे। ये हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम हो जाएगा, ठीक है, ये कॉलम आपका हो गया पर्टिकुलर्स का, जिसमें आप डिटेल लिखेंगे, और पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखने के बाद नेक्स्ट जो हमारा है फॉर्मेट, उसके अंदर आप डाल दीजिए कि कितना आप टोटल कितना था और पर कितना है, जैसे पर टन है तो पर टन किलोमीटर, पर टन किलोमीटर, फिर एक्चुअल ये जो भरेंगे ये वाला फॉर्मेट तो अगर लास्ट ईयर का गिवन है तो लिखना है ये वाला पार्ट को, और प्रैक्टिकली अभी जो आप इस साल का जो डेटा होगा उसको आप टोटल और पर टन या पैसेंजर किलोमीटर में यहाँ हम लिख देंगे। जो फॉर्मेट हमारा चलेगा उसमें फिक्स चार्जेस हैं, जिनका दूसरा नाम क्या है, फिक्स चार्जेस का सेकंड नेम है स्टैंडिंग चार्जेस। फिक्स चार्जेस का पहला नाम मतलब फिक्स चार्जेस तो है, इसके अलावा इसको स्टैंडिंग यानी नॉर्मली टाइम बेस्ड जो चार्जेज है उनको हम लिखेंगे ए पॉइंट पर, ठीक है। फिर जितने भी डिटेल है डाल दीजिए यहाँ पर, जितने भी तरह के खर्चे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि गैरेज का रेंट है या रोड टैक्स है या इंश्योरेंस है या और भी जो फिक्स खर्चे हैं वो सारे डाल देंगे। बी डालिए आप वेरिएबल चार्जेस, वेरिएबल के आप चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, रनिंग और मेंटेनेंस के सब पार्ट बना सकते हैं, रनिंग एंड मेंटेनेंस के चार्जेस हम डाल देंगे सेकेंड पार्ट में, ठीक है। ये खर्चा यहाँ लिखते चले जाएंगे टोटल वाले कॉलम में, और पर हर बार डिवाइड करते चले जाएंगे, नॉर्मली स्टैंडिंग को हम अलग अलग डिवाइड नहीं करते हैं, एक साथ डिवाइड करते हैं, और अल्टीमेटली नीचे ओवरऑल हमारी कॉस्ट प्रिपेयर हो जाएगी। तो वेरिएबल चार्जेज में रनिंग चार्जेज एंड मेंटेनेंस के चार्जेज आ गए। फिर इसके नीचे क्या कीजिए, सी में क्या बन जाएगा, सी में क्या बन जाएगी इन दोनों का, ये टोटल ऑफ ए, ए का टोटल, फिर यहां आपने किया बी का टोटल यानी वेरिएबल का टोटल, और टोटल कॉस्ट हो जाएगा ए प्लस बी, टोटल कॉस्ट निकल गया। और लास्ट काम अगर आपको कहा, अगर क्वेश्चन रिक्वायर करता है तो पहली चीज तो होगी कॉस्ट पर यूनिट, यानी टोटल जो भी आया है उससे डिवाइडेड बाय, यहां जरूर लिखिएगा एक चीज कि आपके कॉस्ट के यूनिट क्या है। जैसे यहां मैंने लिया 10 किलोमीटर, आपने निकाले अगर 1240 तो 1240, अगर एब्सोल्यूट वाला यूज किया था तो, कमर्शियल वाला यूज किया तो 1200। वो कोर्स की यूनिट को यहाँ क्लियरली लिखना जरूरी है, ऑपरेटिंग कोर्स जो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर यहाँ हम कोर्स की यूनिट को लिख लेंगे और अल्टीमेटली हमारी कोर्स पर यूनिट निकल जाएगी। अगर क्वेश्चन कहता है कि हम इतना परसेंट लाभ कमाना चाहते हैं या हमारा प्रॉफिट इतना होना चाहिए, कोर्स से रिलेटेड कोर्स का इतना परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए, तो जैसा हमारा आदि का कोर्स का स्टेटमेंट बनता है वैसे ही नीचे ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, क्या करेंगे प्रॉफिट को ऐड करेंगे। तो कितना हमने जो सर्विस रेंडर किया है उससे पर यूनिट हमें कितना चार्जेबल प्राइस होता है वो हमारा कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो कुल मिला के ऑपरेटिंग कोस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें चार टुकड़ों में काम करना है। पहले सबसे पहले एक्युमुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस करना है, उसके बाद उनका क्लासिफिकेशन करना है, इंपॉर्टेंट काम है कोस्ट के यूनिट कैलकुलेट करना, और अल्टीमेटली आपको इसकी कोस्ट शीट प्रिपेयर करना। अगर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, देखिए मैं एग्जांपल थोड़ी सी चेंज कर देती हूँ, अगर अभी मैं लगातार आपको ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल दे रही थी, बनेगी ऐसी शीट अगर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स है तो, वो मैंने बोला गैरेज मैन, ड्राइवर, मैकेनिक, क्लीनर, कंडक्टर, ये नाम आए। अगर आप कैंटीन देते हैं, अगर आपको किसका प्रिपेयर करना है ये कोस्ट स्टेटमेंट, अगर कैंटीन का प्रिपेयर करना है तो बस यहाँ पर जैसे
जो खाने की चीजें होती हैं उसको प्रोविजंस बोल लेंगे, जैसे ब्रेड, बटर और जो भी चीज, आप समोसा, कचौड़ी, अपनी लैंग्वेज में जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो। उसके बाद आपके कुक सैलरी में, यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर मैकेनिक की सैलरी होगी, वहां कुक की सैलरी, क्लीनर की सैलरी, जो सर्विस जो बॉय वाला जो है वो सर्विस बॉय है उसकी सैलरी, उसको हमने ले लिया। अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हॉस्पिटल में भाई रूम अटेंडेंट की सैलरी, जैसे सपोज कीजिए अटेंडेंट सैलरी जो होगी वो डॉक्टर की हो सकती है, नर्स की हो सकती है, जो स्टाफ है उसकी हो सकती है। अगर हम होटल की बात करेंगे तो रूम अटेंडेंट होगा उसकी सैलरी हो जाएगी, डेकोरेशन फर्निशिंग पे खर्चा थोड़ा अलग तरह का आ जाएगा। तो जो पोस्ट के हेड्स हैं बस वो चेंज हो जाएंगे, बस हमें ये आइडेंटिफाई करना, हम जानते हैं शुरू से करते आ रहे हैं कि बस वो खर्चा अगर टाइम से रिलेटेड है तो स्टैंडिंग में डालना है, और अगर वो उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड है तो उसे हमें वेरिएबल में डालना है। तो चाहे वो किसी का भी हमें कॉस्ट स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करना हो, हम जैसा हमने ट्रांसपोर्ट का बनाया है थोड़े बहुत हेड्स चेंज करके वैसा का वैसा हम सारे ही सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बना सकते हैं। क्लियर ये चीज? अब ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाई है हमने, इससे हमें पता लग गया कि कॉस्ट पर यूनिट कितने निकले, प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया तो ओवरऑल आया कि जो सेवा हमने प्रदान करी है उससे कस्टमर से हमें कितना चार्ज करना चाहिए, ठीक है ना, कितना हम चार्ज करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज जो है, जो हम अर्न करना चाह रहे हैं, चाहे वो कॉस्ट पर बेस्ड है या आपको क्वेश्चन कह दे कि हम इतना परसेंट कमाना चाहते हैं कॉस्ट का, या अल्टीमेटली हम इतने में ही सर्विस देंगे, तो प्रॉफिट कितना बैलेंसिंग फिगर होगा हमारा कैलकुलेट हो जाता है। क्लियर है ये चीज? इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए मैं कुछ डेटा आपको यहाँ पर लिखती हूँ, जैसे एक अल्टीमेटली फाइनली इसको फिगर को भी फिल कर लेते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए एक पैसेंजर सर्विस प्रोवाइडर है, उस सर्विस प्रोवाइडर ने आपको कहा है कि जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर का है, आपको कहा है कि एक जो पैसेंजर सर्विस प्रोवाइडर है वो 4 बसें चलाता है, कितनी बसेज है, 4 बसेज है उसकी, 50 किलोमीटर की जर्नी है और राउंड ट्रिप करता है, मतलब पूरा का पूरा जाना और आना करता है। एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं यहाँ पर कि दो कस्बों के बीच में 4 बसें चलती है, राइट, कुल मिलाकर वो जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है, जाना आना पूरा हम जर्नी करते हैं, और बस की जो कैपेसिटी है वो है 40 पैसेंजर्स की है। कैपेसिटी कितने पैसेंजर्स की है? 40 पैसेंजर्स की है। ये तो बेसिक डेटा हो गया जिससे आपकी कोर्स यूनिट निकल लेगी। और एक सेंटेंस और गिवन है कि नॉर्मली 75% ही ऑक्यूपाइड रहती है, ऑक्यूपेंसी नॉर्मली कितना परसेंट रहती है भाई, जो अभी आपने 10 किलोमीटर कैलकुलेट किया उसमें तो आपने कहा कि 10 टन माल लेकर गए थे, 4 टन उतार दिया तो 6 टन, यहाँ इन्होंने कहा कि हमारी कैपेसिटी है 40 पैसेंजर्स की, और नॉर्मली बस कितनी भरी रहती है, 75%। तो जब आप कोर्स की यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड मल्टीप्लाइड में जब हम करेंगे पैसेंजर्स कह रहे हैं भाई, माल दो चीज हुई ना, आपने किलोमीटर निकाला जब तो 10 × किलोमीटर्स किए, 10 × किलोमीटर्स किया। अब यहां हम करेंगे तो 10 के बजाय तो हो गई पैसेंजर्स, लेकिन पैसेंजर्स का क्या दिया आपको कि 40 की कैपेसिटी है और 75% ही भरी रहती है। तो पैसेंजर्स जब हम यूज करेंगे तो ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे हर एक क्वेश्चन में गिवन होगा, पर्टिकुलर जर्नी के लिए भी कह सकते हैं कि जाते समय इतना परसेंट लोग मिलते हैं, 90%, 80%, वापस लौटते हैं तो 60% हो सकता है, 50%। तो वो परसेंटेज जब आप पोस्ट की यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो वो इम्पोर्टेंट होगा। तो ये तो आपकी जर्नी से रिलेटेड हो गया, और जो एक्सपेंसेस हैं उनकी डिटेल आपको गिवन है कि सपोज कीजिए आपको दे रखा है कि जो वेजेज है ड्राइवर क्लीनर वगैरह की, ये फिगर मैं आपको लिख देती हूँ कि जो हमारा ड्राइवर और क्लीनर को हम जो वेजेस देते हैं वो है हमारा 24,000 रुपीज। दूसरा खर्चा है सैलरी ऑफ ऑफिस ऑफिस स्टाफ की सैलरी है, ये कुछ एक क्वेश्चन हमने उठाया है, उसको सैलरी देते हैं हम 10,000 रुपीज, ठीक है। डीजल एक्सेट्रा पे लग जाता है, डीजल ऑयल पे खर्चा हो जाता है हमारा 1,08,000 रुपए, डीजल पे हमारा खर्चा लग जाता है 1,08,000 रुपए, रिपेयर्स पे हमारा खर्चा लगता है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पे क्वेश्चन है हमारे पास एक जिसपे लगता है 54,000 रुपीज,
उसके बाद टैक्स इंश्योरेंस एक्सेट्रा पे, टैक्सेज एंड इंश्योरेंस पे खर्चा लगता है हमारा, टैक्सेज एंड इंश्योरेंस पे लगता है 20,000 रुपए, और डेप्रिसिएशन ऑन रनिंग दे रखा है आपको, रनिंग पे रिलेटेड है कि गाड़ी चलती है तो ओवरऑल जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा है 90,000 रुपीज, और गैरेज का रेंट और है, गैरेज का रेंट आपको दिया है 18,000। ये कुछ खर्चे आपको दिए हैं, हम इसको कॉस्ट शीट में कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे ओवरऑल। इस फॉर्मेट को थोड़ा ऊपर से लेते हैं क्योंकि पूरा नहीं बन पा रहा है। आप लिखेंगे ये आपको दिया अप्रैल महीने का, एक महीने का दिया आपका, ये ध्यान रखिएगा अगर महीने का नाम दे दे जैसे अप्रैल महीना या जुलाई का महीना, तो जब आप जर्नी का कॉस्ट यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो वो दिन भी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे अभी करके देखते हैं, यहां हम बनाएंगे ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट या शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, सपोज कीजिए 2019 का डेटा दिया आपने, राइट। ये स्टेटमेंट बनाना शुरू करने से पहले क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कोस की यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट होगा कोस की यूनिट कैलकुलेट करेंगे, तो कोस की यूनिट में क्या क्या फिगर्स है, फॉर्मूला बन गया, क्या लिखा, पैसेंजर्स मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर्स, बेसिक फॉर्मूला तो यही है, दिस इज पैसेंजर किलोमीटर आपने कैलकुलेट किया तो, राइट। लेकिन अब यहां पर चार बसें हैं, एक बस का नहीं निकालना है, चार बसें हैं, राइट। तो हर एक बस में 40 लोग बैठते हैं, हर एक बस में 40 लोग बैठते हैं, लेकिन हमें एक क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन था तो हम उसका 75% ही उसका ऑक्यूपेंसी रहता है, वो 75% ही भरी रहती है हमारे यहाँ, राइट। तो ये बेसिक चीज हुई। उसके बाद किलोमीटर कितना ट्रेवल किया आपने, 50 किलोमीटर एक साइड में, 50 किलोमीटर आपको बोला है कि राउंड ट्रिप करना, मतलब जाते और आते हैं, तो 50 × 2 कर दीजिए या सीधा 100 लिख दीजिए, राइट। यहां तक की बात समझ में आई कि चूंकि चार बसें थी इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 कोई नई चीज नहीं निकल के आई है, अगर एक गाड़ी होती तो हम 4 यूज नहीं करते। समझ में आ रही बात कि 4 बसें हैं, हर बस में 40 लोग बैठेंगे लेकिन वो 75% ही भरी रहती है, तो ये तो हमारे पैसेंजर्स कैलकुलेट हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे किलोमीटर्स की, तो किलोमीटर हमने हर दिन 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर आना किया है, लेकिन आपको पूरे महीने का बनाने के लिए कहा है ना स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट कितने समय के लिए कहा है, पूरे महीने का बनाने के लिए कहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई, मैंने इसलिए कहा आपको कि अप्रैल है तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर जुलाई दे दे तो या दिसंबर दे तो 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो कहते हैं कि रोज चलती है। अगर क्वेश्चन कहते हैं कि महीने में 26 दिन ही चलती है तो क्लियर है कि 26 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी कहते हैं वो यूज करना है, लेकिन अगर महीना दे दे तो फिर आपको वो डेज डेली चलती है ना, कोई एक दिन तो चली नहीं, आपको एक दिन का कैलकुलेशन नहीं करना है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल कैलकुलेट करना है। तो ये आप निकाल लीजिए पैसेंजर किलोमीटर्स, कैलकुलेट करके दीजिए कितना पैसेंजर किलोमीटर हो जाता है, कितना इधर तो आया 360 और इधर कितना आया है 360,000 पैसेंजर किलोमीटर्स, कितना किलोमीटर्स आ जाएगा, किलोमीटर्स तो हमारा हो गया 50 × 2 × 30, वो तो किलोमीटर्स हो गया। फर्स्ट पार्ट पैसेंजर्स का है कि हम चार गाड़ियां चलाते हैं, 40 पैसेंजर्स को लेके जाते हैं और 75% हमारा ऑक्यूपाइड रहता है, तो पैसेंजर किलोमीटर्स यहाँ लिखेंगे, कोस की यूनिट हम लिखेंगे, वो हो गई हमारी 360,000, जिससे हमें डिवाइड करना होगा जब कोस पर यूनिट निकालेंगे। अब यहाँ हम अरेंज कर लेते हैं फटाफट से, स्टैंडिंग चार्जेस ए में लिखे, स्टैंडिंग चार्जेस यहाँ से ढूंढे, स्टैंडिंग चार्जेस क्या क्या आएंगे, जैसे वेजेस ऑफ ड्राइवर एटसेट्रा, हमने लिख दिया 24,000 रुपए। फिर उसके बाद सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, यही आएगा ना 10,000 रुपए। बी यहां लिखती हूं मैं वेरिएबल, नेक्स्ट खर्चा है डीजल का, क्वेश्चन में गिवन है डीजल, ये कितना है
1,08,000 रुपए, तीसरा खर्चा हो गया हमारा 1,08,000 रुपए। उसके बाद रिपेयर्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को हम नॉर्मली वेरिएबल में लिखते हैं जब तक कहे नहीं क्वेश्चन, तो रिपेयर्स पे खर्चा हो रहा है हमारा 54,000 रुपीज का। टैक्सेज एंड इंश्योरेंस कौन सा पार्ट होता है? स्टैंडिंग, तो टैक्सेज एंड इंश्योरेंस 20,000 रुपए हम यहाँ लिख देंगे। डेप्रिशिएशन रनिंग पर बेस्ड है इसलिए वेरिएबल, डेप्रिशिएशन हमारा हो जाएगा 90,000 रुपीज। और लास्ट बचा है गैरेज का, रेंट हमारा लगा 18,000। जल्दी से आप इसका टोटल करके दीजिए, ऊपर के चार का टोटल ये आया 72,000 रुपीज, राइट। पार्ट बी, टोटल ऑफ पार्ट बी 2,52,000 रुपीज, यस। तो ओवरऑल हो गया टोटल कॉस्ट, नीचे लिख दीजिएगा आप टोटल कॉस्ट 3,24,000 रुपीज। लास्ट में निकल जाएगा आपका कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, क्या लिखेंगे हम कॉस्ट पर, क्योंकि हम यात्रियों को लेके गए हैं तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर इसके नीचे वाले स्टेटमेंट में आ जाएगा। कॉस्ट लगी 3,24,000 रुपीज और कॉस्ट की यूनिट क्या है, अभी आपने कैलकुलेट करी है, 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर है। तो अल्टीमेटली कॉस्ट पर यूनिट हमारी निकल के आ जाती है, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर हो जाती है 0.9 रुपीज या 90 पैसा पर पैसेंजर किलोमीटर। तो इस तरह से चाहे वो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स है, चाहे वो होटल कैंटीन कोई भी है, उनके लिए हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। दो मिनट में मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट किसके लिए यूज होता है, सिंपल और कंपोजिट कॉस्ट की यूनिट क्या है, एब्सोल्यूट और कमर्शियल टन किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बेसिक आपके क्वेश्चंस हैं। बाकी ये कॉस्ट का स्टेटमेंट तो आप मशीन आ रेट निकालते समय भी कैलकुलेट करते आए थे, और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में भी बेसिक जो कॉस्ट शीट है वो आप ऐसे ही बनाते आए हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स।